कराची टाउनशिप जो कि कराची एयरपोर्ट के करीब वाक़ है, इसकी आज आपको सैर कराते हैं। पहले तो आपको टॉप व्यू मंदिर दिखाते हैं। पीछे जो है वो बास्केटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे, और सामने ही जो है वो सुहानी हैंगर है पीआईए का, और वहाँ पे जहाज़ भी खड़े हैं, उस टाइम भी होते थे, अभी भी खड़े हैं, ऐसी बात है। और इस तरफ जो है वो नर्सरी होती थी, यहाँ पर नारियल की नर्सरी थी। नारियल के दरख्त तो ख़त्म हो गए, लेकिन सब्ज़ा भी मौजूद है, दरख्त लगे हुए हैं। और इस तरफ एक जो टाउनशिप का एक और मंजर आपको दिखाएं, इस तरफ ये वेस्ट है, और सामने जो है वो उसके उस तरफ जौहर है, गुलस्तान जौहर की शायद इमारतें आपको दिख सकें। तो इस तरफ जो है वो सीए की कॉलोनी है, और ये टाउनशिप की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी। अभी भी उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, और अभी और ज़्यादा हमें ग्रीनरी दिख रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। टाउनशिप की आपको सैर कराते हैं। बचपन की यादें हर इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसी तरीके से मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वो जगह है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा, पीआईए टाउनशिप, और यहाँ पर हम खेला करते थे टाउनशिप में, ये हमारा ग्राउंड था। और अब इतने अरसे के बाद, कोई 15-20 साल के बाद, यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर उसी तरीके से क्रिकेट हो रही है, लेकिन वो इतना रश नहीं है जैसे पहले होता था। एक पूरा पार्क जो है उस पर 5-6 पिचेज हैं, तमाम की तमाम भरी होती थी, फिर भी फड्डे हो रहे होते थे कि हमने यहाँ पर खेलना है। तो मैं और मेरा जो क्लास फेलो बचपन का सलमान, हम लोगों ने आज प्लान बनाया कि अपने पुरानी यादों को जो है वो ताज़ा करें और टाउनशिप का चक्कर लगाएं। और सलमान भी मेरे साथ हैं, हम दोनों आए हैं। सलमान, कैसा लग रहा है? यार तो भाई अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं वो आपकी बचपन से जुड़ी हुई होती हैं, और बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि वो आप बोलना चाहते हैं लेकिन वो आपकी ज़बान पे नहीं आ पाते। ऐसे जैसे आपने बताया कि यार एक ज़माना था कि इसी पार्क में इसी टाइम इस कदर रश होता था कि यानी कि अब वो देख के अफसोस हो रहा है, क्योंकि जब से ये कंप्यूटर और इसका मोबाइल का ज़माना आया तो उसने बच्चों से शायद उनका खेल का वो दौर छीन लिया। सामने स्कूल है हमारा, हाँ ये हमारा स्कूल था पीआईए टाउनशिप में, पीआईए मॉडल स्कूल ये पीछे, और यहाँ पर छुट्टी होती थी तो हम यहाँ पर जमा हो जाते थे, यहाँ पर मस्तियाँ कर रहे होते थे। इसके बाहर रोड है, रोड के उस तरफ स्कूल है, तो ये पार्क होता था, और पार्क होता था ऊपर से जो इदारे होते थे वो अपनी जो उस तरह की उनकी सोसाइटीज़ होती थी या उनके जो जहाँ पे एम्प्लॉइज रहते थे उधर उनका बजट होता था, ये मेंटेन होता था। ये मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये जंगल सा है, इधर भी जंगल है, और भी पीआईए कॉलोनी की हालत बहुत और भी ये हालत मखदूश हुई भी है। तो ये कि इदारों को चाहिए कि वो जहाँ पर इतनी सब कुछ अपने डायरेक्टर्स और बोर्ड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को पे कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत इन आबादियों पे भी थोड़ा सा खर्च करें ताकि ये मेंटेन रहे। एक ज़माना था कि पीआईए कॉलोनी हो गई, सिविल एविएशन कॉलोनी हो गई, और इससे मिलती जुलती जैसे स्टील टाउन हो गए या स्टील मिल की जो कॉलोनीज होती थी वहाँ पे लोग आगे रहना पसंद करते थे। तो अब वो दौर नहीं है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। एक यही होता है कि यार मैदान हमारे वीरान है, और जो मैदान थे यहाँ तो उधर कब्जे हो गए, यहाँ फिर उधर बिल्कुल ऐसे ही पुल वगैरह बन गए। चलें थोड़ा बाहर निकलें, ज़रा बाहर की जगह की भी सैर कराएं, नाज़रीन को भी दिखाएं कि पीए टाउनशिप जो है वो एक अच्छी जगह है, उनको दिखाएं। ये एक मार्केट है, पीए टाउनशिप की ये मार्केट है, और यहाँ पर हम आते थे, पप्पू बेकरी वाला होता था, वो अभी भी मौजूद है पप्पू बेकरी वाला यहाँ, लेकिन अब बहुत सारी बेकरीज यहाँ पे हो गई। ये पप्पू बेकरी होता था, हम यहाँ पे जाए स्कूल लगने से पहले जो है यहाँ पे चीज़ें लेते थे, और फिर हम ये स्कूल हमारा है यहाँ जाते थे। ये सामने स्कूल है हमारा, ये अभी ग्राउंड जो हम दिखा रहे थे भी आपको। और एक और चीज़, ये जो ग्राउंड होता था हॉकी का ग्राउंड होता था, मैं यहाँ पे हॉकी भी खेलता था, सलमान तो क्रिकेट खेलता था, लेकिन मैं शाम में अपने दीगर दोस्तों के साथ यहाँ हॉकी खेलने भी आता था, और ये ग्रासी ग्राउंड होता था, बकायदा मेंटेन था। अब ये जो घास आपको दिख रही है ये सिर्फ बारिशों की वजह से हुई है, वरना घास वास यहाँ पे होती नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर फुटबॉल ज़रूर होती है, लोग जो हैं वो, चलो अच्छी बात है, खेलों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये ग्राउंड जो है यूटिलाइज हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ लोग इस मैच को देख रहे हैं बाहर बैठ के, एक अपना मज़ा है और खेलने का तो अपना ही मज़ा है। अब देखें, अब ये दो टीमों का एक मैच है, और थोड़ा सा दिखाते हैं कि गोल हो पाता है कि नहीं, और ये गोल हो गया, देखा आपने,
तो खैर यहाँ पर ये कचरे का ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बाहर कचरा है, यहाँ पर भी कचरा है। लेकिन हमें याद होगा कि ये जो दरख्त है इधर, हम 12 बजे साढ़े 12 बजे तक हम जमा होते थे, 12:15 बजे दोपहर में स्कूल के टाइम। हाँ बिल्कुल, 12:30 बजे हमारा स्कूल लगता था और यहाँ पे हम खेल रहे होते थे दरख्त की छाँव में। बिल्कुल, फल वाला एक होता था यहाँ पे, यहाँ एक बर्गर वाला भी होता वो है, लेकिन आज बंद है, होता है लेकिन बंद है, वाला नहीं है। और इस तरफ वो वाली ये वाली जो साइड होती थी, ये 9 और 10 के बच्चों के लिए होती थी, यहाँ पे 7-8 के बच्चे खेलते थे, यानी कि वो हर एक और दो गेट होते थे, एक ये यहाँ पे गेट स्कूल का था और एक हम वहाँ से एंटर होते थे, छुट्टी हमारी वहाँ से होती थी। तो बहरहाल बड़ी यादें हैं स्कूल के, पुराने लोग भी देखेंगे। और ये हाँ ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस होती थी और इस तरफ जो है वो ये कैंटीन है हमारी मशहूर, जो ये साथ ही कैंटीन है, लेकिन बर्गर और जिसकी छत देख रहे हैं ना आप, ये हमारा दोस्त आमिर मीडिया, उसकी 7 अप हम आमिर के बारे में क्या बोल रहे हो? आमिर ने 7 अप छालिया, उसके छालिया एक मेट्रो उस वक्त बहुत मिलती थी, 7 अप बाद में आई थी शायद। अच्छा, तो वो मेट्रो बेचारा बहुत उससे लेके खाई है हमने थोड़ा उसका भी नाम लेते तो हलाल हो जाएगी। अब बहरहाल आमिर और दीगर जो भी हमारे पुराने साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, वो इसको देख रहे हैं तो इसको यकीनन उनको अच्छा लगेगा कि एक पुरानी जगह उनको दिखाई है जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा। खूबसूरत बात कि इसी यानी कि इसी कॉलोनी के अंदर तमाम सहूलियात मौजूद थी, सामने उस यानी कि इस ग्राउंड के सामने साथ सामने ये जो जूम इन करके दिखाऊं, ये डिस्पेंसरी होती है, ये डिस्पेंसरी अभी भी है मेरे ख्याल में, ये ठीक है। और यानी कि 92 से लेके 99 और 2000 तक हमने यहाँ पे बहुत अच्छा पीरियड गुजारा है। सही, और इतनी सख्त हड़तालों के बावजूद भी हमारे स्कूल नहीं बंद होता था। ये तो सबसे बुरी बात थी ना कि हड़तालें होती थी, पूरा कराची बंद होता था, हमारा स्कूल बंद ही नहीं होता था, खुला होता था और लोग आते थे, बच्चे आते थे, जो बाहर के थे वो नहीं आ सकते, हम छुट्टी से जो है वो महरूम रहते थे। फिर एक जमाना ये भी आया कि यहाँ पे बदमाशों का वो एक दुकानें भी बंद हुई, कुछ यहाँ नशा वशा भी बच्चों ने शुरू कर दिया, कुछ यहाँ पे बाकायदा एक्टिविटीज थी। एक जमाना होता है, खैर ये पीआईए के डाउन और फॉल के साथ साथ ये सोसाइटी भी अपनी बस ये वीडियो का मकसद ये था कि बस पुरानी यादें जो हैं वो हम ताज़ा करें और ये पुरानी जगहों को देखें, अपनी अपने बचपन की यादों में चले जाएं। तो ये एक चारों तरफ मैंने मंजर दिखाया आपको, सलमान और मैं आए थे यहाँ पे। तो बहरहाल जो देख रहे हैं, जो दोस्त देख रहे हैं, वो अगर हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ख़ास तौर पर जो टाउनशिप से वाबस्ता लोग हैं पुराने हैं वो देखें तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना उन पर फ़र्ज़ है। चल भाई टाउनशिप का थोड़ा टूर हो जाए। टंकी मैं बता रहा हूँ, ये टाउनशिप में तीन इतनी बड़ी टंकियाँ थी और जहाँ से पानी, जैसे एक बोरी सामने पानी जो है वो यहाँ पे सप्लाई होता था पहले टंकियों के जरिए, काफ़ी अर्सा गुजर गया, यहाँ पे सप्लाई इस तरीके से तो बंद होगी, अब कुछ
जहाँ पे फ्लैट्स का हाल ऐसा भी हो गया है, इतना बुरा हाल भी हो गया कि अब इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। बातों का यहाँ पर यही है कि इदारे को चाहिए था कि इसकी मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है, तभी ये हाल हो गया। फ्लैट्स की मेंटेनेंस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ सामने जो दरख्त है इसके नीचे होटल होता था एक, इसको अब्बासी होटल कहते थे, बट मशहूर था वो भी। अभी जब इनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उसको भी हटा दिया गया, हालांकि हम बचपन से देख रहे थे। 40 साल हर फ्लैट के बराबर में कचरा कुंडी होती थी, और अभी भी ये सामने जो है वो कचरा कुंडी है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि सफाई सुथराई का यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम था। आप अभी कह रहे ये ए ब्लॉक्स है, अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। सामने मरकजी जामा मस्जिद थी ये टाउनशिप की, और ये ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये देखो खुशी हुई कि चारों तरफ जो है वो घास वगैरह लगी हुई है। हमारे दौर में ये छोटे छोटे पौधे लगे थे मस्जिद के, तो अब ये कितने बड़े हो गए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। लेकिन ये है कि रोडें जो है वो टूटी फूटी हैं। ये लेडीज पार्क था, ये लेडीज़ पार्क, और ये ब्लॉक ये कौन था, 36 था मेरे ख्याल में, 36 ए ब्लॉक था ये। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर हम बैठते थे, सारे निकम्मे किस्म के लोग इस कोने पे आके बैठते थे, बच्चे जितने थे हम लोग पार्क, क्योंकि लेडीज था वो। हम लोग उस टाइम बड़े हो गए थे तो हम लोगों को जाना ममनू हो गया था। तो बहरहाल टाउनशिप में घूम रहे हम। अभी हम बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ भी जाएंगे। उमर का घर, हाँ ये यहाँ पे हमारे दोस्त एक उमर रहते थे, भद्दो खाना मान नाम था। ये बाद में, पहले तो सबसे पहले तो वो इस टंकी के साथ एक था। अब आमिर का तो घर दिखाना बनता है, आमिर मिरी का घर भी दिखाएंगे। तो घूम रहे हैं, साथ साथ म्यूजिक लगा दूंगा मैं, यहाँ बोल रहा नहीं होगा ना। ये अभी लेडीज बैठी हुई है तो इसलिए अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बना दिया भाई, लेडीज पार्क अच्छा बना दिया। इधर आमिर का घर होता था, ये आमिर मिरी अगर देख रहा है तू, ये होता था तुम्हारा घर इधर, ये ले फिर ना कहियो हमने दिखाया नहीं। अब यहाँ से हॉस्टल रोड से हो जा, अब यहाँ से हम हॉस्टल रोड से हो जाएंगे। ये लेडीज पार्क को दोबारा हमने ऐसे दिखा, यहाँ पे हम क्रिकेट काफी खेलते थे, हॉस्टल रोड के ऊपर भी क्रिकेट खेलते थे, उधर ग्राउंड में भी खेलते थे, जहाँ जगह मिल जाए सामने से। हर एशियन कॉलोनी, हाँ ये सामने जो है सिविलाइजेशन, ये दीवार है, ये टाउनशिप की दीवार है, उससे उधर सिविलाइजेशन के मिलजुल के लोग रहते थे। हाँ ये यहाँ एयर हॉस्टेस, यहाँ पे भी क्रिकेट बहुत खेली है और बहुत सारे लोग। ये हॉस्टल रोड कहलाता है, ये जो PIA की एयर हॉस्टेस है उनके फ्लैट्स थे यहाँ पे, हैं बल्कि अभी भी हैं, तो इसलिए इसको हॉस्टल रोड कहते हैं। ये बड़ा चौड़ा रोड था, तो रोड तो अब इतना अच्छा नहीं है, पहले तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था। तो यहीं से घुमा ले मेरे ख्याल में वापस, बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ चलते हैं। ये बास्केटबॉल ग्राउंड में हम आए हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड भी दिखाते हैं आपको, ये टाउनशिप का।
बास्केटबॉल ग्राउंड। क्रिकेट हो रही है, बास्केटबॉल ग्राउंड है। ये बैटिंग करके जा रहे हैं और ये कैमरा देखकर जो है वो बल्ला लहरा रहे हैं।